भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है। जोधपुर में रामनवमी के दिन धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी इसका उदाहरण है, जिसमें लोगों के घर में घुसकर के मारपीट की गई। सीएम गहलोत के गृह जिले में इस तरह की घटना होना कोई आम बात नहीं है। ये घटना साबित करती है कि प्रदेश में अपराधियों पर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। साथ में कहा कि धार्मिक जुलूस में किसी एक वर्ग का हमला करना गलत है, सीएम को इस पर ध्यान देना चाहिए। वहीं पर राहुल गांधी के बयान आखिर सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस पर पलटवार करते हुए सैनी ने कहा कि उनका यह बयान काफी गलत है और पूरे वर्ग को अपमानित करने वाला है। राहुल गांधी का यह बयान मर्यादाहीन है। ऐसा लग रहा है कि प्रांत में कानून व्यवस्था जो है वो चरमरा गई और ये कहें कि कानून व्यवस्था समाप्त हो गई, या ये कहें कि अपराधी बेखूब अपराध करते हैं, प्रशासन का डर एक तरह से समाप्त हो गया है। जोधपुर में रामनवमी के अवसर पर जो पत्थरबाजी हुई, घर में घुसकर मारपीट हुई, और ये उस जगह होती है जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, उनका आवास भी वहीं है। ऐसी जगह ऐसी घटना होना ये साबित करता है कि प्रशासन का भय है नहीं, और एक तरह से ये धार्मिक जुलूस पर हमला करना एक वर्ग द्वारा ये और भी गलत है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को इस संबंध में बयान देना चाहिए कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना उनके यहाँ क्यों हुई, और ये उस समय हो रही है जब उनके पुत्र वहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। देश के प्रधानमंत्री बनने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कहते हैं कि सारे मोदी ही चोर क्यों होते हैं। मैं सोचता हूं इतने बड़े जिम्मेदारी के पद पर बैठने वाले व्यक्ति ने किसी वर्ग विशेष पर इस प्रकार का आरोप लगाना उस पूरे वर्ग का अपमान है। ये व्यक्ति पूरे वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी का यह बयान मर्यादाहीन बयान है।